This conference will now be recorded. हाँ जी, क्वेश्चन में है कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सलमान फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2014। एक सेकंड बस। चलिए, आपके पास ड्राइंग्स गिवन है, आपके पास ट्रेड डेटर्स गिवन है, गुडविल गिवन है। गुडविल हमारा ना एसेट होता है, गुडविल हमारा एसेट होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट साइड पर है, तो ये हमारा लायबिलिटी होगी, सॉरी एक्सपेंस होगा। कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी WDV, WDV का मतलब है उसकी बुक वैल्यू है, मतलब एक कॉस्ट होती है और उसमें से डेप्शन माइनस हुई हुई है, पहले जो अक्यूमुलेटेड डेप्शन है उसमें से माइनस हुई हुई है, ठीक है। अब ना एक सेकंड वेट करें मेरे भाई, मैं ना यहाँ पर वो अलाउ नहीं है लिखना है इसके ऊपर, मैं ना दूसरी फाइल ओपन करता हूँ। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल है आज का और ये क्वेश्चन आसान है। चल, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द सलमान, कहते हैं जी ड्राइंग्स हैं आपके पास 30,500 और ये सारी अमाउंट्स इन थाउजेंड में है। सारी अमाउंट्स किस फॉर्मेट में है? इन थाउजेंड में। कहते हैं ड्राइंग्स आपके पास 30,500 है, डेटर्स आपको गिवन है, गुडविल हमारा नॉन करंट एसेट होता है, गुडविल हमारा नॉन करंट एसेट होता है, ठीक है। बात नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारा एक्सपेंस है, कैश इन हैंड कैश इन हैंड हमारा एसेट हो गया। एस WDV मतलब ये एसेट की इसमें से ना अक्यूमुलेटेड एप्शन माइनस हुई होती है, जब WDV लिखा होता है ना उसमें से अक्यूमुलेटेड एप्शन माइनस हुई हुई है। से रिटर्न, कैश एट बैंक, पावर एंड यूटिलिटी चार्जेस, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या क्या करते हैं? डेबिट साइड पर है तो लेस फ्रॉम सेल्स, और अगर क्रेडिट साइड पर होगा तो लेस फ्रॉम परचेज। फिर परचेज लेस रिटर्न नेट करके बता दिया, सैलरीज वेजेस, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ओपनिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, ये परचेज में ऐड हो जाएगा, ऐड इन परचेजेस वो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। बिल रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है, जिसके साथ भी रिसीवेबल लिखा होता है वो हमारा नॉर्मली करंट एसेट होता है।
सलमान कैपिटल आ गया, क्रेडिटर आ गया, लोन आ गया, ये बैड डेट्स की प्रोविजन है, ये ब्रॉड ऑन गिवन है बैड डेट्स। फिर सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिल पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, अक्रूड एक्सपेंस भी हमारी करंट लायबिलिटी होता है, और अदर इनकम, ये हमें ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो कहता है जनाब पहली इंफॉर्मेशन, कहता है ऑन 1 जुलाई 2013 मशीन वाज परचेज रुपीज 500,000, हाउएवर दिस कॉस्ट हैज रॉन्गली पोस्टेड इन द परचेज अकाउंट। क्या लिखा हुआ है कि आपने मशीन खरीदी तो आपको मशीन में लिखना चाहिए था, आपने गलती से परचेज में लिख दिया। अब हमने करना मशीन को डेबिट था, डेबिट था, आपने कर दिया परचेज को डेबिट। अब जब आप इसको सही करोगे तो क्या तरीका कार होगा सही करने का, परचेज को रिवर्स कर दोगे, मशीन को डेबिट कर दोगे 500 से, मतलब जाकर मशीन में प्लस कर देंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे, मशीन में प्लस करेंगे परचेज में से माइनस कर देंगे। फिर लिखा हुआ है सलमान सन वर्क एज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसीव्ड सैलरी 150,000 पर मंथ विच हैज बीन इंक्लूडेड इन ड्रॉइंग्स। कहते हैं सलमान का बेटा काम करता है तो उसको सैलरी मिली है, याद रखें अगर फ्री में पैसे निकाले जाएं, अगर फ्री में पैसे निकाले जाएं तो ड्राइंग्स होती हैं, वो तो काम कर रहा है, वो तो सैलरी होनी चाहिए। लेकिन उसने कहा है कि नहीं, इसके बेटे ने लेकर गया तो उसने ड्राइंग्स में लिख दिया, तो ड्राइंग्स में से माइनस कर देंगे और सैलरी में लिख देंगे 150 × 12 1800। इस 1800 का करेंगे क्या, ड्राइंग्स में से माइनस कर देंगे और सैलरी को डेबिट कर देंगे, ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देंगे और सैलरी को डेबिट कर देंगे। तो क्या करना है, यहां पर आपके पास जहां ड्राइंग्स लिखी होंगी यहां से 1800 माइनस कर देंगे और जहां सैलरी लिखा होगा उसमें जाकर 1800 ऐड कर देंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 650,000। कहता है आपने 650,000 की इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दी तो इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे और कहां पर लिख देंगे, जाकर करंट एसेट में। और जो एडवांस हो गए, एडवांस हमारे एक्सपेंस होते हैं, एडवांस हमारे एक्सपेंस होते हैं, वो इंश्योरेंस एक्सपेंस में से माइनस हो जाएंगे और किधर चला जाएंगे, करंट एसेट में। फिर वो कहता जी डेप्रिसिएशन है 10% और यहां पर देखना आपका 5% लिखा हुआ है या नहीं, चेक कीजिएगा, यहां पर लिखा होना चाहिए 5%। हाँ जी 5% ही है। प्लांट एंड मशीनरी का रेट है 10% और फैक्ट्री बिल्डिंग का रेट है 5%। ठीक होगी बात। चैलेंज उसके बाद वो कहता है जी प्रोविजन का रेट है 2%, क्लोजिंग स्टॉक है 237.5, क्योंकि 1000 में है ना, 237,500। हाँ जी जनाब, अब ये सवाल करना शुरू करें या कर लोगे,
डेप्रिसिएशन डायरेक्ट इसका लेंगे 10% और इसका लेंगे 5%, और इस मशीन में 500 ऐड भी करेंगे, और ये वाली अमाउंट परचेज में से माइनस भी करेंगे। वो तो पहली एडजस्टमेंट। हाँ जी, ये सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, और अगला सवाल फिर एज अ होमवर्क के तौर पर कर लेना, ताकि आपको खुद से भी एक नया क्वेश्चन हैंडल करने की आदत होनी चाहिए। तो फिर मैं वो हल भी करवाता जाऊंगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि क्या गलती आपने की है। हाँ जी, तो बिस्मिल्ला करते हैं। सलमान बिजनेसमैन का नाम है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फॉर द ईयर एंडेड ईयर एंड क्या है हमारा? थर्टियथ जून 2014। 30 जून 2014। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। जी मेरे भाई, सेल्स आपके पास कितनी है? एक दफा ये मामला क्लियर कर लें यहां से, फिर एडजस्टमेंट एक दफा दोबारा मैं करवाता जाऊंगा। जी जनाब, हमारे पास सेल्स हैं 353300 इन थाउजेंड में है सारा कुछ। 353300, ओके। सेल्स में से डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे 2432। डिस्काउंट 2432। और कोई सेल की एडजस्टमेंट है? जरा देखिएगा पूरे सवाल के अंदर। लो जनाब, अगर नहीं है तो नेट करके आंसर बता दें। सर सेल सेल तो कोई रिटर्न नहीं, है सेल रिटर्न है। जी ओके, सर, दस दस हजार सर। सेल्स रिटर्न। अच्छा याद रखें, कोई सी बंदे ने ये नहीं कहा कि सर ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। अगर याद रखें, ट्रेड डिस्काउंट अगर आपके पास सवाल के अंदर आएगा तो कभी रिकॉर्ड नहीं करते, बट अगर ट्रायल बैलेंस में कभी आ जाए ना, तो उसको अगर डेबिट साइड पर है तो सेल में से लाजमी माइनस करेंगे, और अगर क्रेडिट साइड पर है तो परचेज में से लाजमी माइनस करेंगे। जी, कोई बंदा कैलकुलेटर एक्टिवली संभाल के बैठे और मुझे बताता जाए कितना आंसर आ गया इसका। सर 3408688 4 0 868 868 लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी जनाब, ओपनिंग स्टॉक ढूंढो अगर है तो। ये 1 2 7 7 6 2। 1 2 7 7 6 2 प्लस परचेजेस, उसने परचेजेस दी हुई है नेट करके 330530, 330530। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो मशीन गलती से इसके अंदर ऐड हुई हुई है, इसमें से माइनस कर देंगे वो वाली मशीन जो गलती से ऐड हुई हुई है। वो कौन सी भला? ये वाली पहली एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, मशीन परचेज की है, दिस कॉस्ट रॉन्गली बेन पोस्टेड इन द परचेज अकाउंट।
गलती से परचेज अकाउंट में लिख दिया, तो हम इसको जाकर मशीन में लिख देंगे, ओके होगी बात। कैरेज इन भी था 10420, हाँ जी ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, गलती ठीक हो गई, कैरेज इन ऐड कर दिया और कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसके अंदर आई हो, तो लो जनाब अब हम इसको नेट कर देते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। करो जरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं करना, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक भी करना है, बिल्कुल करना है। क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं, जी जी क्लोजिंग स्टॉक तो करना है, वो है नीचे ना काफी 237500 237। लो जनाब अब बताओ कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई, सर 230712। 230712, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दो, डबल 10156। 110156 जी सर। ओके अब हम चलते हैं लेस अदर एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो देखते जाते हैं कि कौन कौन सी एक्सपेंसेस के अंदर वो एडजस्टमेंट है। सबसे पहले इंटरेस्ट पे आते हैं, 800 का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो नीचे लिखेंगे, माजरत ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से नीचे इसको अभी रहने दो। उसके बाद इनकी डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं, वो भी तो हमारा एक्सपेंस ही होता है जी जनाब। प्लांट की डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी की 10%, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी 4500 प्लस, इसकी डेप्रिसिएशन वो भी आएगी जो 500 नहीं लिखा हुआ, 500 का 10% भी इसमें आएगा, वो जो 500 मशीनरी गलती से परचेज में लिख दी गई थी वो उसकी डेप्रिसिएशन भी आएगी, तो ये इसकी डेप्रिसिएशन टोटल हो गई मशीन की 4550। अब आपने करना भला क्या है, ये मशीन में से माइनस हो जाएगा और अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, तो डेप्रिसिएशन मशीन की 4550। क्लियर होगी बात। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग की 5% करो जरा, 4240 का 5% 21402 जी सर। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, ये डेप्रिसिएशन मशीन की आ गई, जो पहले वाली मशीन पड़ी थी उसका भी 10% लिया, जो मशीन गलती से परचेज में लिखी थी वो भी अब वापस आ जाएगी तो उसका भी 10%, फैक्ट्री बिल्डिंग का 5%। फिर आ जाओ जनाब डेप्रिसिएशन हो गई, शेयर रिटर्न नहीं आता, पावर एंड यूटिलिटी, पावर एंड यूटिलिटी कितनी अमाउंट आ जाएगी 6500। फिर डिस्काउंट हम लिख चुके हैं, सैलरीज एंड वेजेस की एडजस्टमेंट भी है 1800 इसके अंदर प्लस करना है और ड्राइंग्स में से माइनस करना है, 1800 इसमें प्लस करना है क्योंकि 1800 भी सैलरी ही है वो ड्राइंग्स नहीं है, तो इसमें 1800 ऐड करके बताओ जरा मुझे 4220 जी सर। ओके उसके बाद है हमारे पास सैलरी वेजेस की रेंट एंड रेट्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज आ जाएगा रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स आ जाएगा 6992।
फिर उसके बाद इंश्योरेंस में प्रीपेड है 650, यहां से माइनस करके करंट एसेट में लिख देंगे। इंश्योरेंस प्रीपेड है एडजस्टमेंट नंबर थ्री, तो 2000 में से 650 माइनस करें, कितना आ गया 1350। जी सर। फिर आ गया एडवर्टीजमेंट 4512, एडवर्टीजमेंट 4512, ओपनिंग स्टॉक हो गया, कैरेज इनवर्ड हो चुका है, बेयर रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है। लो मेरे भाई, डेप प्रोविजन रहेगी बस, वो कहता है 2% डेटर के ऊपर प्रोविजन है आपकी, और तो पूरे सवाल के अंदर बैड डेट्स है नहीं, तो सिर्फ कैरिड ऑन है। जब कुछ भी ना हो यहां पर देखें, ये प्रोविजन का ब्रॉड ऑन है और इसका लेंगे 2%, 109,420 का 2%। यहां पर मैं बना देता हूं, ब्रॉड ऑन प्रोविजन है 900, कैरिड ऑन प्रोविजन है 109,420 का 2%, कितना आ रहा है 109,420 का 2%? सर 2188। 2188 यही है। तो बैड डेट्स में कितनी अमाउंट आ जाएगी, इसमें से 9 प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, तो बताओ बैड डेट्स में कितना डिफरेंस आएगा। हाँ जी, 1288। 1288 जी सर। और तो कोई बैड डेट्स है ही नहीं, तो यही इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस में आ गया, और ये 2188 एसेट में से भी माइनस हो जाएगा, और तो कोई एक्सपेंस मुझे नजर नहीं आया। अगर आपकी नजर में कुछ है तो बता दें। ये जो अक्रूड एक्सपेंस है ना, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। चले जनाब, बाकी तो सारी चीजें ओके हो गई, टोटल कर दे एक्सपेंस का मुझे बस। 69512। 69512, ये बाकी लोग भी करते रहे प्लस, कहीं कोई गलती गलत ना बता दे। 69512, इसमें हम करेंगे लेस फाइनेंस कॉस्ट, जिसे आप लोग इंटरेस्ट भी कहते हो, फाइनेंस कॉस्ट या जिसे आप इंटरेस्ट भी कहते हो, एड अदर इनकम। अदर इनकम मेरे भाई आपके पास है इंटरेस्ट रिसीव्ड 11,930, इंटरेस्ट रिसीव्ड और अदर इनकम, एक ये अमाउंट है, एक ये अमाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड 11,930 और अदर इनकम 3100। लो मेरे भाई, ये इसमें माइनस कर दो, ये इसमें प्लस कर दो, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, ये जो आपका आंसर आया, इसमें पहले आप वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो फाइंड करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही फाइंड करना एक्सपेंस माइनस करके, जल्दी करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता दो पहले। ग्रॉस प्रॉफिट में से 406,444 जी सर। अब इसमें 800 माइनस कर दो, 11,930 और 3100 प्लस कर दोगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सर 54874।
54874। और बाकी लोग भी प्लस करें क्योंकि इसका सलूशन आपको नहीं मिलना, आपने खुद हल करना है। ठीक होगी बात, यहां तक सबका क्लियर है? चलें जी, अब हम चलते हैं एसओएफपी पे। सलमान स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 14 है या 13 है। नॉन करंट एसेट्स, जी जनाब। सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं ये WDV वाले, प्लांट एंड मशीन, पैंतालीस हजार प्लस 500 माइनस 4550, ये 45,000 पहले की कॉस्ट, 500 वो जो गलती से परचेज में चला गया वो, माइनस डेप्रिसिएशन, कितनी अमाउंट आ गई? फोर जीरो नाइन फाइव जीरो। अच्छा, ये जी बात समझ भी लगी है ना। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कोई बात ना समझ लगा करे ना तो वो प्लीज लाजमी बताया करे, उसकी वजह क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि किसी को कोई इशू या मसला आए। ठीक है, हर हाल में बताया करना है आपने। चैलेंज जी, प्लांट एंड मशीन के बाद फिर आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीन हमारा हो गया, नेक्स्ट है फैक्ट्री। फैक्ट्री में से माइनस फैक्ट्री बिल्डिंग, हाँ जी, अमाउंट लिखी हुई है 4 to 400 माइनस, इसकी डेप्रिसिएशन आई थी 2120, माइनस कर दो 4 to 400 में से 2120 माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है? सर 4020। 40280, मेरे ख्याल में यही है नॉन करंट एसेट, और तो कोई नहीं है। हाँ जी, और कोई नहीं, गुडविल नहीं, गुडविल है, गुडविल 20,000। चलो जी, आप इसको प्लस करके मुझे बता दो टोटल आंसर कितना आ गया। वन जीरो वन टू थ्री जीरो 101230। फिर हम लिखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आ जाओ जरा मेरे भाई, करंट एसेट्स पहले डेटर्स 109420, पहले स्टॉक लिख लेते हैं कहीं भूल ना जाए। स्टॉक कितना था हमारे पास? 237500। डेटर्स, डेटर्स है मेरे भाई 109420 माइनस प्रोविजन का कैरी डाउन कितना आया था? प्रोविजन का कैरी डाउन 2188 सर, 2120 सर, 88 2188। चलो जी, 2188 है, इसको माइनस करके बताएं कितना आंसर आ गया? 109420 माइनस 2188 107232। उसके बाद करंट एसेट में हमारा एक है प्रीपेड इंश्योरेंस, वो 650 की
जो इंश्योरेंस प्रीपेड है एडजस्टमेंट के अंदर लिखी हुई है ये वाली, ये वाली। उसके बाद हमारे डेटर हो गए कैश इन हैंड 728, उसके बाद हमारे पास आ गया कैश एट बैंक 13,512, बैंक। उसके बाद मेरे भाई आ गया हमारे पास, अच्छा हमने रेंट रेट एंड इंश्योरेंस रेंट एंड रेट लिखा था एक्सपेंस के अंदर, जरा देखिएगा 6,992। लिखा ओके, बिल रिसीवेबल 32,526, 32,526। लो जनाब ये हमारे करंट एसेट हो गए। करो जरा टोटल इसका, कोई एसेट रह ना जाए बस। कितना 392148। 392148, इन दोनों को प्लस करो तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3, 4933 78, 49। 3378। ओके चलिए जनाब, टोटल एसेट्स आ गए। अब हम चलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी पे। तो पहले इक्विटी में आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल आ गया हमारे पास 3 लाख, ये कैपिटल आ गया 3 लाख प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था पहला, नेट प्रॉफिट बता दो देख के। 54874। 54874 माइनस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स गिवन है यहां पर 30,500 माइनस 1800। ये 1800 वो वाला है जो उसकी सैलरी वेजेस, उसकी जो सैलरी है वो ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूडेड थी, वो माइनस की है। तो 30,500 में से 1800 माइनस कर दो, कितना गया 28,700। 28,700 लो जनाब, माइनस करें तो इक्विटी आ जाएगा 3 लाख प्लस 54878 माइनस 28,700। कितना आ रहा है सर? 326174। 326172। सेवन टू सेवन ही आ रहा है या कुछ और अमाउंट? 4L 74। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में हमारा लोन है 40,000, फिर है जनाब करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी एडजस्टमेंट में तो कोई नजर नहीं आई, यही लिखी हुई है। ये एक क्रेडिटर है 104724, क्रेडिटर्स 104724, और एक हमारी लायबिलिटी लिखी हुई है जनाब बिल पेबल 23,150। एक हमारी लायबिलिटी लिखी हुई है एक्रूड एक्सपेंस,
3460। लो जनाब सबको प्लस करके बताओ कि हमारा टोटल इक्विटी लायबिलिटी कितना आ रहा है। हाँ जी कितना आ रहा है? प्लस नहीं कर रहा कोई? सर 497508 सेम नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? 4 9 ये नहीं आ सेवन रहा, फाइव जीरो 4933378। नहीं सर दोबारा प्लस करो ना या कोई और, दोबारा प्लस करो इसको। कौन सी ऐसी वैल्यू मिस की आपने? पहले आप प्लस करो ना, फिर कितनी अमाउंट आ रही है दोबारा प्लस करके बताओ, अभी एरर निकाल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। ये बताओ जरा कितनी वैल्यू आ रही है इन सबको प्लस करके। 497508 497508, जीरो एट जी सर। इसका डिफरेंस लें जरा इसके साथ 499 4933 78 से। 4130 4130 इस तरह की कोई अमाउंट है 4130। आप देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखे हुए हैं हमने, अपने एक्सपेंस में जाएं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमने लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं। अच्छा ये आपने ये दोबारा सवाल करना है, हो सकता है हमारी कहीं कैलकुलेशन में मसला आया हो, तो कोई मसला नहीं। ये आपके और पहले ना आपने ऐसा करना है कि इसका टोटल करना है और इसका टोटल, कि इसकी डेबिट क्रेडिट से बराबर है या नहीं, ठीक है? उसके बाद फिर इसका एरर निकल आएगा, कोई मसला ही नहीं, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। और आपने दो सवाल करने, एक तो ये दोबारा करना है, क्योंकि अगर हम दोबारा भी करने लग गए तो टाइम लग जाएगा, कहीं कैलकुलेशन की वजह से इशू हो सकता है। तो आपने पहले दो सवाल करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर वन और एक क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है? और मैं कल दोनों सवाल आपके क्लास में चेक करूंगा, और उसमें कोई मसला होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बस अभी के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।